क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन में स्टेटमेंट यह है कि ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ मास एम एंड एज ए स्लाइड्स डाउन ए रफ इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा विद ए यूनिफॉर्म स्पीड फाइंड द टॉर्क ऑफ द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक अबाउट इट्स सेंटर तो सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग है और अगर ये क्वेश्चन रोटेशनल मोशन से पहले आया होता तो हम इसको सॉल्व करते किसी और तरह से यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे इसको एक डिफरेंट वे में ये एंगल कितना दिया इंक्लाइन प्लेन का अल्फा के बराबर ठीक है ये ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी से इंक्लाइन प्लेन पर आ रहा है अगर ये ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि इस पर नेट फोर्स जीरो है तो इस पर फोर्सेस हैं कौन कौन से तो मैं फोर्सेस के डायरेक्टली कंपोनेंट करके लिखता हूँ एक तो फोर्स इस पर लग रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉम्पोनेंट एम जी साइन थीटा ठीक है और दूसरा कंपोनेंट मैंने बना लिया एम जी थीटा। इसके अलावा इस पर फ्रिक्शन भी लग रहा होगा तो फ्रिक्शन फोर्स कौन सा फ्रिक्शन होगा ये काइनेटिक फ्रिक्शन होगा तो उसको मैं लिख लेता हूँ काइनेटिक फ्रिक्शन को ये कितना है एफ के के बराबर है अगर ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है इंक्लाइन प्लेन के अलांग तो इस पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए यानी कि एफ़ के की जो वैल्यू है वो एम जी थीटा के इक्वल होगी दैट इज फॉर श्योर कैरेटिक फ्रिक्शन कितना यहाँ पर एम जी थीटा के बराबर होगा इसके अलावा अगर कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन दिया होता तो ये फ्रिक्शन म्यू एन से भी हम निकाल सकते थे जिसमें एन नॉर्मल रिएक्शन है अब देखो नॉर्मल केस में जो कॉन्टैक्ट uh, फोर्स होता है नॉर्मल रिएक्शन उसको हम मानते हैं कि वो कहाँ से पास हो रहा है सेंटर ऑफ मास से लेकिन जब ब्लॉक की या क्यूबिकल ब्लॉक की साइड दे दी है एज दे दी है उसकी ए के बराबर है जो कि क्वेश्चन में तो इसका मतलब ये है कि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रही है लॉजिक क्या है उसका हमारे पास उसका लॉजिक ये है कि अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर हम टॉर्क निकालें तो एम जी साइन थीटा का टॉर्क ज़ीरो है एम जी कॉस् थीटा का टॉर्क जीरो है लेकिन फ्रिक्शन का टॉर्क ज़ीरो नहीं है फ्रिक्शन का टॉर्क कितना होगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट वो होगा एफ़ के इन टू इसकी जो एज है उसका हाफ जो मैं डायग्राम में है बना रहा हूँ कितना ए बाई टू के बराबर ठीक है कितना होगा ये ये जो एज थी इसकी ए तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसकी ये डिस्टेंस हो जाएगी ए बाई टू के बराबर ठीक है तो फ्रिक्शन का टॉर्क होगा एफ के इन ए बाई टू ये किसके अबाउट है फ्रिक्शन का टॉर्क ये लिया मैंने सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट फ्रिक्शन का टॉर्क जीरो नहीं है लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो क्यूबिकल ब्लॉक है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से स्लाइड कर रहा है यानी इसमें एंगुलर एक्सलरेशन कहीं नहीं है अल्फा नहीं है लुढ़कते हुए नहीं आ रहा है ठीक है अगर ये लुढ़कते हुए नहीं आ रहा है अल्फ़ा नहीं है इसमें एंगुलर वेलोसिटी नहीं है एंगुलर एक्सोलेशन नहीं है इसका मतलब ये है कि इस पर नेट टॉर्क कैसा है ज़ीरो है लेकिन नेट टॉर्क अगर जीरो है तो फ्रिक्शन का टॉर्क तो जीरो नहीं है तो इसका मतलब यह है कि इस पर कोई और फोर्स है जिसका टॉर्क इसके टॉर्क के इक्वल है मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में अपोजिट है तो वो कौन सी चीज़ होती है वो होती है नॉर्मल रिएक्शन तो इसकी नॉर्मल रिएक्शन कहीं आगे शिफ्ट हो गई है और नॉर्मल रिएक्शन क्यों शिफ्ट होती क्या होती ये आगे लेक्चर में देखेंगे हम अभी हम केवल इस क्वेश्चन पर कंसर्न हैं तो नॉर्मल रिएक्शन आगे शिफ्ट हो गई है ठीक है आगे ही क्यों शिफ्ट होती है जिससे कि ये फ्रिक्शन के टॉर्क को बैलेंस कर पाए क्योंकि इसका जो टॉर्क आएगा उसका सेंस ऑफ रोटेशन होगा एंटी क्लॉक मतलब ये है नॉर्मल रिएक्शन और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी मान लो एक्स है ये डिस्टेंस कितनी है जितना ये शिफ्ट हुई है वो एक्स है तो इसका सेंस ऑफ रोटेशन कैसा है एंटी क्लॉक और फ्रिक्शन का जो टॉर्क है उसका सेंस ऑफ रोटेशन है क्लॉक जब नॉर्मल रिएक्शन आगे की तरफ शिफ्ट होगी तभी उसका जो टॉर्क है फ्रिक्शन के टॉर्क के अपोजिट आएगा जिससे कि नेट टॉर्क जीरो हो ठीक है तब तो हमारे पास ये कंडीशन बन जाएगी कि फ़्रिक्शन का टॉर्क एफ के इंटू ए बाई टू इक्वल्स टू नॉर्मल रिएक्शन का जो टॉर्क है एन इंटू एक्स के बराबर जिसमें एक्स क्या है वो डिस्टेंस है जितना कि नॉर्मल रिएक्शन सेंटर ऑफ मास से आगे की तरफ शिफ्ट हो जाती है ठीक है अब हमको कैलकुलेट क्या करना है कैलकुलेट करना है हमको टॉर्क ऑफ नॉर्मल रिएक्शन तो नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क और फ्रिक्शन का टॉर्क बराबर है मैग्नीट्यूड में तो हम किसी भी एक का टॉर्क निकाल दें फ्रिक्शन की वैल्यू हमको इसमें पता है फ्रिक्शन की वैल्यू है एम जी साइन थीटा के बराबर तो एम जी साइन थीटा इंटू ए बाई टू तो वन बाई टू ए इंटू एम जी साइन थीटा ये नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क हुआ ठीक है तो नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क है अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता कि एक्स कितना है तो हम एक्स भी निकाल सकते हैं आंसर तो हमारा आ गया यहाँ पर यही आंसर हो गया नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क कितना है वन बाई टू ए एम जी साइन थीटा नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू है एम जी थीटा के बराबर तो इसको लिख सकते हो वन बाई टू ए एम जी साइन थीटा इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन को मैंने लिखा एम जी थीटा और ये एक्स तो अगर मुझसे पूछा जाए x की वैल्यू क्या है तो यह जाएगा वन बाई टू ए टेन थीटर हालांकि पूछा नहीं है इसमें और नॉर्मल रिएक्शन मैक्सिमम कितना शिफ्ट हो सकती है मैक्सिमम शिफ्ट हो सकती है ये ए बाई टू के बराबर नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से यहाँ तक आ सकती है मैक्सिमम ए बाई टू तक और ये यह यहाँ शिफ्ट होने के बाद भी अगर फ्रिक्शन के टॉर्क को बैलेंस नहीं कर पाई तो फिर इसकी टॉपलिंग हो जाएगी यानी कि ये जो ब्लॉक है ये लड़कना शुरू कर देगा लेकिन फिलहाल इसके आगे डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है जितना पूछा गया था हमसे हम अपने आप को वहीं तक सीमित रखते हैं तो हमारा जो नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क है वो कितना है ये है वन बाई टू ए एम जी थीटा एंड दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन अब है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू और क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू में सिचुएशन है ये रॉड ऑफ मास एम एंड लेंथ एल लेंगटली इज फ्री टू रोटेट अबाउट ए वर्टिकल एक्सेज थ्रू इट सेंटर ठीक है द हॉर्जोंटल फोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड एफ एक्ट्स ऑन द रॉड एट ए डिस्टेंस ऑफ एल बाई फोर फ्रॉम देंटर तो सेंटर से एल बाई फोर डिस्टेंस पर एक कॉन्स्टेंट फोर्स एफ रॉड पर लग रहा है द फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रॉड और इस तरह से मैनेज किया है सिचुएशन को कि दिस फोर्स रिमेन्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रॉड फाइंड द एंगल रोटेटेड बाई द रॉड ड्यूरिंग द टाइम टी आफ्टर द मोशन इस्टार्ट्स तो टाइम टी के बाद मोशन इस्टार्ट होने के टाइम टी के बाद रॉड कितने एंगल से रोटेट हो जाएगी ये हमको बताना है कितने टाइम में टाइम टी के बाद तो सिचुएशन को समझने के लिए क्या करते हैं हम एक रॉड यहाँ पर बना लेते हैं तो हमने मान लिया कि ये एक रॉड है और इसमें जो सिचुएशन है वो सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि फोर्स हमेशा कैसा लगेगा परपेंडिकुलर लगेगा ठीक है तो ये बना ली हमने एक रॉड तो रॉड जरा भाई स्ट्रेट हो जाओ चलो इस तरह से बना लेते हैं ये रॉड है और ये बना दी हमने एक रॉड लेंथ कितनी है रॉड की रॉड की लेंथ दी है क्वेश्चन में एल तो हम भी इसकी लेंथ को जरा एल के बराबर लिख लेंगे ठीक है ये रॉड है अच्छा इसके अलावा इसमें सिचुएशन है कि जो फोर्स लगेगा वो फोर्स लगेगा रॉड की लेंथ के परपेंडिकुलर और कितनी डिस्टेंस पर एल बाई फोर पर तो ये रॉड का मैंने मान लिया सेंटर है ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है एल बाई टू और ये वाली डिस्टेंस भी कितनी हो गई एल बाई टू के बराबर ठीक है फोर्स जो लगता है वो लगता है एल बाई फोर पर यानी कि यहाँ कहीं लग रहा है ये फोर्स एफ और ये डिस्टेंस कितनी है ये है एल बाई फोर और सेंटर से भी फोर्स एफ़ की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी है एल बाई फोर के बराबर फोर्स हमेशा रॉड की लेंथ की परपेंडिकुलर लगा हुआ है फाइंड द एंगल रोटेटेड बाई द रॉड ड्यूरिंग द टाइम टी आफ्टर द मोशन स्टार्ट तो हम इसमें निकालते हैं कि इस फोर्स का टॉर्क कितना है रॉड कैसे रखी हुई है हॉर्जोंटल सरफेस पर इस तरह से और फोर्स ऐसे लगा हुआ है ये घूमेगी किसके वर्टिकल एक्सेस के अबाउट तो जो फोर्स एफ है इसका टॉर्क कितना हो जाएगा फोर्स एफ का टॉर्क हम लिखते हैं एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एल बाई फोर इक्वल टू आई एल्फा अब रॉड जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हमको उसी एक्सिस के अबाउट लिखना चाहिए तो उसको हम लिखेंगे एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व तो रॉड रोटेट करती है वर्टिकल एक्सिस जो कि इसके सेंटर से पास हो रही है तो सेंटर से पास होने वाली एक्सिस जो कि रॉड के परपेंडिकुलर है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व तो हमने एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व लिख दिया तो एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व इंटू अल्फा तो यहां से हमको मिल गया अल्फा इक्वल टू थ्री एफ बाई एम एल ये आ जाएगा थ्री एफ बाई एम एल ठीक है अब रॉड को रोटेट कराना है हमको टाइम टी में तो टाइम टी में जिस एंगल से रोटेट करेगी उसको निकालने के लिए हम सेकंड काइनामेटिकल इक्वेशन लगा लेते हैं सेकंड काइनामेटिकल इक्वेशन क्यों लगा सकते हैं क्योंकि एंगुलर एक्सोलेशन कांस्टेंट है या जो काइनामेटिकल इक्वेशन है रोटेशन की वो तभी लगती हैं जबकि अल्फ़ा कांस्टेंट हो तो यहाँ अल्फ़ा कांस्टेंट है तो डेल्टा थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर ये फार्मूला मैं यूज़ करूँगा तो डेल्टा थीटा इक्वल्स टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी तो ज़ीरो थी इसकी तो उसको ज़ीरो कर देते हैं प्लस हाफ अल्फ़ा की वैल्यू है थ्री एफ अपॉन एम एल और टाइम को टी स्क्वायर लिखा तो बस यही आंसर हो गया डेल्टा थीटा इक्वल्स टू मैं थोड़ा साइड हो जाऊं इक्वल टू थ्री एफ टी स्क्वायर अपॉन टू एम एल के बराबर ठीक है तो आसान सा क्वेश्चन था बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था और सॉल्व भी जल्दी हो गया है हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री में जो सिचुएशन है वो ये है ए स्क्वायर प्लेट ऑफ मास वन ट्वेंटी ग्राम एंड एज फाइव सेंटीमीटर रोटेट्स अबाउट वन ऑफ द एजेस तो एक स्क्वायर प्लेट है जिसका मास है वन ट्वेंटी ग्राम और एज की लेंथ कितनी है फाइव सेंटीमीटर है और ये एक एज के अबाउट रोटेट करती है यानी कि जो स्क्वायर प्लेट है उसकी किसी भी एक एज से हम मान सकते हैं कि एक्सेस ऑफ रोटेशन पास हो रही है इफ़ इट हैज़ ए यूनिफॉर्म एंगर एक्सोलेशन ऑफ पॉइंट टू रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर इसका एंगुलर एक्सोलेशन कॉन्स्टेंट है यानी कि टॉर्क कॉन्स्टेंट लगा हुआ है इस पर उसकी वैल्यू दी हुई है वॉट टॉर्क एक्ट्स ऑन द्लेट तो उन्होंने पूछा है कि इस पर कितना टॉर्क एक्ट कर रहा है तो सबसे पहले हम एक डिस्क बना लेते हैं सॉरी एक स्क्वायर प्लेट बना लेते हैं तो ये एक स्क्वायर प्लेट हमने बना ली है और स्क्वायर प्लेट की जो एक्सेस ऑफ रोटेशन है वो है ये वाले ठीक है इस पर मैं लिख देता हूँ कि इसको मान के चल रहे हैं कि ये है एक्सेस ऑफ रोटेशन ठीक है इसके अबाउट ये रोटेट कर रही है इस एक्सेस के अबाउट और इसका एंगुलर एक्सोलेशन कितना है अल्फा जिसकी कि वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है केवल एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इस क्वेश्चन में आपको पता होनी चाहिए बाकी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको इस स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ एनर्शिया कैलकुलेट करना आना चाहिए तो इस एक्सिस के अबाउट स्क्वायर प्लेट का जो मोमेंट ऑफ एनरशिया है वो कितना होगा एम एल स्क्वायर बाई थ्री के बराबर अगर इसकी एज की लेंथ में एल मान लूँ ठीक है तो इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ एनरशिया होता है एम एल स्क्वायर बाई थ्री के बराबर ठीक है तो हम इसको लिख लेते हैं मोमेंट ऑफ नरसिया को मान लेते हैं कि मास कितना है एम है इसको पहले हम एक सिंबल में सॉल्व करते हैं तो आई इक्वल टू होगा एम एल नेट टॉर्क क्या होता है नेट टॉर्क होता है आई अल्फा के बराबर तो नेट टॉर्क या नेट एक्सटर्नल टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा अल्फा गेवन है क्वेश्चन में एम एल स्क् रख लेते हैं हम आई की वैल्यू तो नेट टॉर्क इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई थ्री इन अल्फा एम एल और अल्फा की वैल्यू को सब्टिट्यूट कर दें कैलकुलेट कर लें आंसर आ जाएगा तो इसमें मैं वैल्यू सब्टिट्यूट करता हूँ अब तो जो वैल्यू है वो इस तरह से है तो जल्दी कैलकुलेशन करते हैं इसका मास था 120 ग्राम तो इसको हमने केजी में कन्वर्ट कर लिया 120 ट्वेंटी इंटू टेन स्टार माइनस थ्री एज की जो लेंथ थी वो फाइव सेंटीमीटर थी तो उसको भी हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है फाइव इंटू टेन टू दॉर माइनस टू और इसका होल स्क्वायर अल्फा एंगुलर एक्सोलेशन इट वॉज गिवन इन क्वेश्चन एंड इट हैज वैल्यू पॉइंट टू रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाई थ्री आफ्टर सम एडजस्टमेंट वी कैन राइट इसको हम किस तरह लिख सकते इस तरह से लिख सकते हैं और फाइनली आफ्टर सम कैलकुलेशन वी गेट द आंसर टू इंटू टेन टू पावर माइनस फाइव न्यूटन एंड दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर जो सिचुएशन है उसको हम एक बार देख लेते हैं क्या हो रहा है इसमें इसमें जो सिचुएशन है वो ये है कि कैलकुलेट टॉर्क ऑन द स्क्वायर प्लेट ऑफ प्रीवियस प्रॉब्लम इफ इट रोटेट्स अबाउट ए डाइगनल इफ इट्स रोटेट्स अबाउट ए डाइगनल विद द सेम एंगुलर एक्सोलेशन तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री में जो एंगुलर एक्सप्रेशन था एंगुलर एक्सप्रेशन तो अभी भी वही है लेकिन इस बार जो स्क्वायर प्लेट है सेम स्क्वायर प्लेट है लेकिन इस बार ये रोटेट करेगी उस एक्सिस के अबाउट जो कि डाइगनल से पास होती है ठीक है तो एक्सिस हमने बना ली है ये जो एक्सिस है ये डाइगनल से पास हो रही है क्वेश्चन बहुत ही आसान है केवल हमको पता होना चाहिए कि इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है तो जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डाइगनल इज गिवन बाय एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व तो अगर कोई स्क्वायर प्लेट है जिसकी साइड की लेंथ है एल या एज एल के बराबर है और मास है एम तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट जो कि डाइगनल से पास हो रही है होता है एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व के बराबर तो एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया और जैसा कि हम जानते हैं फार्मूला होता है नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा के बराबर तो इस एक्सिस के अबाउट हम फार्मूला लगाएंगे नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा तो टॉर्क हुआ एम एल स्क्वेयर बाई ट्वेल्व इंटू अल्फा अब बस केवल जो वैल्यूज गिवन है क्वेश्चन में वो हमें सब्टीट्यूट कर देनी है तो मास था इसमें वन ट्वेंटी ग्राम तो उसको हमने लिखा वन ट्वेंटी इंटू टेन एस टू पावर माइनस थ्री ठीक है ये हमने इसमें मास लिख दिया इसका और लेंथ कितनी हुई थी फाइव सेंटीमीटर तो फाइव इंटू टेन टू पावर माइनस टू हमने उसको लिख दिया तो ये लेंथ uh, लिख दी है एम एल स्क्वायेर हो गया अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी पॉइंट टू तो ये अल्फ़ा की वैल्यू है और ये एज इट इज ट्वेल्व जो था वो आ गया इसको हम सिंप्लीफाई कर दें सिंप्लीफाई करने पर टॉर्क आ जाएगा पॉइंट फाइव इंटू टेन टू दावर माइनस फाइव न्यूटन के बराबर सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ठीक है तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव हमारे सामने है और क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव में जो सिचुएशन है उसको जरा हम समझते हैं कि इसमें हो क्या रहा है ठीक है तो इसमें सिचुएशन ये है ए फ्लाई व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइव के जी मीटर स्क्वायर इज रोटेटेड एट स्पीड ऑफ सिक्सटी रेडियन पर सेकेंड बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन एट द एक्सल इट कम्स टू रेस्ट इन फाइव मिनट्स पाँच मिनट में ये रुक जाता है फ्रिक्शन की वजह से पार्ट ए कहता है फाइंड द एवरेज टॉर्क ऑफ द फ्रिक्शन फ्रिक्शन का जो एवरेज टॉर्क है वो निकालना है बी द टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन फ्रिक्शन का जो टोटल वर्क डन है वो कितना है ठीक है और एंगुलर मोमेंटम ऑफ द व्हील वन मिनट बिफोर इट स्टॉप्स रोटेटिंग तो ये रुकने से एक मिनट पहले इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा हमको ये निकालना होगा ठीक है तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि एक फ्लाईव्हील जैसी कोई चीज बना लेता हूं मैं यहां पर तो एक फ्लाई व्हील जैसी डिस्क जैसी कोई चीज आपको दिख रही है रोटेट करते हुए मान लेते हैं कि एक फ्लाई व्हील है और इसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी है गिवन है क्वेश्चन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्वेश्चन में गिवन है फाइव के जी मीटर स्क्वायर एंगुलर वेलोसिटी हमको पता है सिक्सटी रेडियन पर सेकेंड और कितने टाइम के बाद ये रुकता है फाइव मिनट के बाद तो उसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं तो फाइव इंटू सिक्सटी सेकेंड के बाद ये रुक जाता है ठीक है अब क्वेश्चन में कहा गया है कहा गया है कि एवरेज टॉर्क निकालिए तो एवरेज टॉर्क निकालने के लिए हम ये मानेंगे कि अल्फा इसमें कॉन्स्टेंट रहता है ठीक है तो अल्फा कांस्टेंट है तो हम रोटेशनल कानामेटिक्स की इक्वेशंस को लगा सकते हैं और हमारी रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन में क्वेश्चन में हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम एंगुलर एक्सोलेशन को निकालें क्योंकि अल्फा अगर हम निकाल लेंगे तो फिर उससे हम आई अल्फा निकाल सकते हैं जो कि टॉर्क के बराबर होता है और इसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि टॉर्क कैसा है एवरेज है यानी कि कॉन्स्टेंट रहता है तो हम रोटेशनल काइनामेटिक्स की इक्वेशन लगा लेते हैं तो ओमेगा इक्वल टू उमेगा नॉट प्लस अल्फा डेल्टा टी हमने किया फाइनल एंगुलर वालासिटी कितनी जीरो इनिशियल और प्लस अल्फा इन टाइम की वैल्यू रख ली हमने थ्री हंड्रेड सेकेंड के बराबर अल्फा इससे आ जाएगा सॉल्व करके माइनस वन बाई फाइव रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर तो ये एंगुलर एक्सप्रेशन है या ये आप कहना चाहिए कि ये बेसिकली एंगुलर रिटार्डेशन है या एंगुलर डेसिलेशन है इसलिए तो फ्लाई व्हील रुक जाता है पार्ट एक निकालते हम तो पार्ट ए का कैलकुलेशन करें तो उसने पूछा है एवरेज टॉर्क तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फ़ा आई की वैल्यू सब्टिट्यूट कर देते हैं अल्फ़ा की वैल्यू सब्टीट्यूट कर दी हमने तो एवरेज टॉर्क कितना है वन न्यूटन मीटर बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन था इसमें अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं पार्ट बी पार्ट बी में क्या पूछा है द टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन तो फ्रिक्शन का वर्क निकालना है और ये हम यूज़ करके निकालेंगे वर्क एनर्जी थेरम को वर्क एनर्जी थेरम याद होगी वर्क पार एनर्जी के चैप्टर में पढ़ा हुआ था वर्क डन बाई ऑल दी फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन कारेंटिक एनर्जी लेकिन यहाँ पर चेंज किस में हो रहा है रोटेशनल कारेंटिक एनर्जी में तो थोड़ा सा फॉर्म चेंज हो जाएगा वर्क एनर्जी थेरम का वो ये होगा कि चेंज इन रोटेशनल कारंटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाई टॉर्क ठीक है तो रोटेशनल कारेंट वर्क होता है चेंज इन रोटेशनल कारेंटिक एनर्जी के बराबर जैसा कि आप ये देख रहे हो अब चेंज निकालना रोटेशनल रोटेशन एनर्जी में तो क्या होगा फाइनल रोटेशनल कारंटिक एनर्जी कितनी होगी जीरो क्योंकि ये फ्लाई व्हील रुक जाता है माइनस इनिशियल रोटेशनल कारंटिक एनर्जी लिखेंगे तो जीरो माइनस हाफ ओमेगा स्क्वायर आई हमको ऑलरेडी पता है और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी थी सिक्सटी रेडियन पर सेकेंड उसकी वैल्यू सब्टीट्यूड कर देते हैं सॉल्व करने पर हमारे पास ये आ जाएगा माइनस नाइन जूल के बराबर नेगेटिव साइन आया मतलब वर्क कैसा हुआ है नेगेटिव हुआ है तो वर्क नेगेटिव होना ही चाहिए था क्योंकि या कैलकुलेशन के बाद इसे नेगेटिव ही आना चाहिए था क्योंकि कारंटिक एनर्जी कम हुई है जब भी कारंटिक एनर्जी डिक्रीज़ होगी इसका मतलब यह है कि वर्क नेगेटिव हुआ है बढ़ते पार्ट सी पर पार्ट सी क्या कहता है द एंगुलर मोमेंटम तो एंगुलर मोमेंटम निकालना है हमको चार मिनट के बाद तो चार मिनट पर इसकी एंगुलर वेलासिटी क्या होगी हमको ये कैलकुलेट करना होगा तो एंगुलर मोमेंटम आफ्टर फोर सेकेंड फोर मिनट्स तो फोर मिनट्स यानी कि कितने सेकेंड टू फोर्टी सेकेंड इसको हमने कन्वर्ट कर लिया सेकेंड में ठीक है इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया और अब हम फर्स्ट कानामेटिकल इक्वेशन लगाएंगे तो फर्स्ट कानामेटिकल इक्वेशन में जरा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जो लिखा हुआ है आपको लगेगा कि ज़्यादा डायरेक्ट हो गया क्या तो ओमेगा ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हमको निकालनी है इनिशियल कितनी है सिक्सटी है अल्फ़ा नेगेटिव आएगा क्योंकि एंगुलर रिटार्डेशन है या एंगुलर डेसिलेशन है तो वन बाई फाइव और टाइम कितना टू फोर्टी तो ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हम यहाँ से निकाल देंगे सिम्प्लीफाई करने पर हमको क्या मिलता है देखते हैं तो so, सिंप्लीफाई करने पर यह आ जाएगा 12 रेडियन पर सेकेंड तो एंगुलर विलासिटी 4 मिनट्स के बाद आती है 12 रेडियन पर सेकेंड अब हम लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा के बराबर तो एल इक्वल टू आई ओमेगा आई ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था 5 के जी मीटर स्क्वायर ओमेगा की वैल्यू जो हमने निकाली है वो सब्टीट्यूड कर देते हैं तो so, एल की वैल्यू आ जाती है सॉल्व करने पर फाइव इन यानी कि सिक्सटी एसआई यूनिट में तो एसआई यूनिट में इसकी वैल्यू आ रही है 60 और दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ठीक है बढ़ते अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स हमारे पास और ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है इसमें इस कुछ कुछ कॉमन सेंस भी आपको लगाना पड़ेगा तो क्वेश्चन में जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को हम समझते हैं क्या है क्वेश्चन ये कहता है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वाटर इन ओशियंस विद द अर्थ सरफेस द रोटेशनल कैरेंटिक एनर्जी ऑफ द अर्थ इज़ कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग तो रोटेशनल कैरेंटिक एनर्जी अर्थ की कंटिन्यूसली डिक्रीज हो जा हो रही है और वो किस रीजन से हो रही है जो इन्होंने क्वेश्चन में दिया है इफ़ द अर्थ सर अर्थस एंगुलर स्पीड डिक्रीजेज बाय पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो वन सिक्स रेडियन पर डे इन हंड्रेड ईयर्स ये बड़ी ट्रिकी सी इंफॉर्मेशन है जो कि समझने में हमको बड़ा केयरफुल रहना होगा इसको अभी आगे हम यूज़ करेंगे फाइंड द एवरेज टॉर्क ऑफ द फ्रिक्शन ऑन द अर्थ रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 किलोमीटर एंड इट्स मास इज 6 इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी फोर के के बराबर ये इंफॉर्मेशन गिवन है तो जो सबसे थोड़ी ट्रिकी टाइप की जो इन्फॉर्मेशन है जो कि समझने में दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को ये है कि पॉइंट जीरो जीरो वन सिक्स रेडियन पर डे इन हंड्रेड ईयर्स ये क्या चीज़ है तो बेसिकली ये है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी है ये तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी कितना है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी है पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो वन सिक्स रेडियन पर डे यानी कि हंड्रेड ईयर्स के ड्यूरेशन में एंगुलर वेलोसिटी में जो चेंज आया है वो चेंज कितना आया है पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो वन सिक्स रेडियन पर डे अब एंगुलर वालासिटी की यूनिट हमने पढ़ी है रेडियन पर सेकंड होती है रेडियन पर मिनट होती है रेडियन पर आवर भी चलो हो सकती होती है लेकिन इसमें जो यूनिट दी है वो है रेडियन पर डे तो इसको हम ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे यानी रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं इसको तो रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए एक दिन में जितने सेकंड्स होते हैं उसको हम लिख देते हैं तो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो वन सिक्स एक दिन में आवर्स कितने ट्वेंटी फोर वन आवर में कितने मिनट्स हैं सिक्सटी और वन मिनट में कितने सेकंड हैं सिक्सटी तो ये चेंज कर दिए हमने रेडियन पर सेकंड में तो इसको थोड़ा और फर्दर सिंप्लीफाई कर दें तो जो एंगुलर वेलोसिटी आती है रेडियन पर सेकंड में वो इतनी आ जाती है ये ये क्या है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी है और ये चेंज कितने साल में आया है हंड्रेड ईयर्स में ये चेंज आया है ठीक है तो अल्फा कितना हुआ हम मान लेते हैं कि इस पूरे ड्यूरेशन में एंगुलर एक्सोशन की एवरेज वैल्यू अल्फा के बराबर है तो फर्स्ट कानामेटिकल इक्वेशन लगाई हमने ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी तो अल्फ़ा होगा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी के बराबर तो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट क्या है ये चेंज इन एंगुलर वालासटी है और ये चेंज इन एंगुलर वालासुटी ये कितना है ये जो हमने कैलकुलेट किया था और ये जो टी है ये कितना है ये इन्होंने क्वेश्चन में दिया था हंड्रेड ईयर्स में ये जो टाइम है ये कितना है हंड्रेड ईयर्स के बराबर है जो कि क्वेश्चन में ये जो टाइम गिवन था ना ये ये टाइम कितना गिवन था हमको क्वेश्चन में ये वाला टाइम यहाँ रखेंगे हंड्रेड ईयर्स के बराबर का ठीक है तो, तो अब मैं जरा अपनी पोजीशन शिफ्ट कर लूँ तो अब हमारा काम फिर कैलकुलेशन करने का है थोड़ा आगे तो अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो निकालने के लिए ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट यानी एंगुलर वेलोसिटी में जो चेंज था जो हमने निकाला था 1.85 पॉइंट एट फाइव इंटू टेन टू दो और माइनस एट रेडियन पर सेकंड वो मैंने इसमें रख दिया टाइम की वैल्यू कितनी रखी है चेंज कितने टाइम में आया था हंड्रेड ईयर्स में तो हंड्रेड ईयर्स हमने वैल्यू रख दी अब इसको फिर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा तो ऐसा यूनिट में लेके आना है तो सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हंड्रेड इयर्स ठीक है एक साल में कितने दिन होते हैं 365 तो 365 डेज एक दिन में कितने आवर्स होते हैं 24 24 आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60 और 60 मिनट्स में सेकंड कितने होते हैं फिर 60 तो ये हमने इसको चेंज किया इसको कैलकुलेट करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाता है सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू 5.87 पॉइंट एट सेवन इंटू टेन टू दर माइनस एट तो अब हमारे पास क्या आ चुका है अल्फा आ चुका है हमारे पास अब हमें ज़रूरत किसकी की है आ, हमें ज़रूरत है मोमेंट ऑफ़ नर्शिया की टॉर्क निकालना है बेसिकली हमको एवरेज टॉर्क कितना है तो टॉर्क निकालने के लिए हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम मोमेंट ऑफ नरशिया लिखें अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन गिवन होनी चाहिए थी लेकिन गिवन नहीं है कि अर्थ को हमें यहाँ पर क्या अज्यूम करना है इसको हमें एक सॉलिड सॉलिडस्फेयर लेके चलना है तो अर्थ को अगर हम एक सॉलिड स्फीयर लेते हैं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई इक्वल टू टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर तो आई इक्वल टू टू बाई फाइव जो मास की वैल्यू है क्वेश्चन में वो गिवन है सिक्स इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी फोर के जी और रेडियस को भी मीटर में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो सिक्सटी फोर किलोमी हंड्रेड किलोमीटर है तो मीटर में हो जाएगा ये सिक्सटी फ़ोर इंटू टेन की पावर थ्री और यानी कि फ़ाइव तो सिक्सटी फोर इंटू टेन टू दावर फाइव मीटर और ये इसका स्क्वायर तो टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर इस सभी को जब कैलकुलेट करेंगे तो मोमेंट ऑफ़ एनर्शिया की जो वैल्यू आती है मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पर कैलकुलेट ऑलरेडी हमने किया हुआ है इसको तो टॉर्क इक्वल टू अल्फा तो अल्फ़ा की आई की जो वैल्यू है वो सॉल्व करने पर जो मैंने अभी बताया था टू बाई फाइव एम स्क्वायर रखने पर वो इतनी आएगी तो ये किसकी वैल्यू है ये वैल्यू रखी है हमने अल्फ़ा की ठीक है सॉरी मोमेंट ऑफ नर्शिया की और अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो ये है ठीक है ये अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी इतनी बस अभी आंसर आ गया इसको फर्दर सॉल्व कर देते हैं कितना है तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू इतनी आएगी ठीक है इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये होगा 5.770 पॉइंट सेवन सेवन टू द पावर 20, अब हम इसमें अप्रोक्सीमेशन कर देते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली 5.8 पॉइंट एट इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी के बराबर आ जाएगा एसआई यूनिट में यानी 5.8 पॉइंट एट इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी न्यूटन मीटर का इतना एवरेज टॉर्क मान सकते हैं ओशियन के फ्रिक्शन की वजह से अर्थ के सरफेस पर जो लगा और एंगुलर वालासिटी में जो चेंज हुआ तो वो चेंज हंड्रेड ईयर्स में हुआ और कितने टॉर्क की वजह से हुआ इतने टॉर्क की वजह से यानी कि एवरेज टॉर्क कितना लगा इस चेंज को लाने में ठीक है तो ये जो क्वेश्चन है इसे सॉल्व करने में जो नए नए इलेवंथ क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको तो डिफ़िकल्टी आती है इवन ट्वेल्थ ट्वेल्थ पास वाले स्टूडेंट्स भी इसमें परेशान होते हैं उसका रीज़न एक तो क्या है कैलकुलेशन और उससे भी बड़ा रीज़न ये है कि ये जो एंगुलर वालासिटी रेडियन पर डे में दी हुई है ना ये कन्फ्यूज़न पैदा करती है तो उसको एंग रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेना है हमको और ये चेंज कितने टाइम में आया है ये चेंज आया है हंड्रेड ईयर्स में यानी सौ साल में एंगुलर वालासिटी में चेंज हुआ है पॉइंट जीरो ज़ीरो वन सिक्स रेडियन पर डे और फिर उसको चेंज कर लो सेकेंड में तो वन पॉइंट एट फाइव इंटू टेन की पावर माइनस एट रेडियन पर सेकेंड का चेंज सौ साल में आया है ठीक है तो चलो इसका डिस्कशन हम यहीं कंप्लीट करते हैं और बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन हमारे सामने और क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन में सिचुएशन यह है कि ए व्हील रोटेटिंग ए व्हील रोटेटिंग एट ए स्पीड ऑफ सिक्स हंड्रेड रिवोल्यूशन पर मिनट अबाउट इट्स एक्सिस इज ब्रॉट टू रेस्ट बाई अप्प्लाइंग ए कॉन्स्टेंट टॉर्क फॉर टेन सेकेंड्स तो दस सेकेंड तक एक कॉन्स्टेंट टॉर्क लगाया व्हील पर जिसकी इनिशियल एंगुलर स्पीड थी 600 रोटेशन पर मिनट और वो 10 सेकंड के बाद रेस्ट में आ जाता है यानी उसकी फाइनल एंगुलर स्पीड हो जाती है जीरो फाइंड द एंगुलर डिसलरेशन एंड द एंगुलर वालासटी फाइव सेकेंड्स आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द टॉर्क तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है और जो इन्फॉर्मेशन हमको दी हुई है उसको यूज़ करके हम इसका आंसर निकालेंगे तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन हमको दी है उसको हम यूज़ करते हैं तो ओमेगा नॉट कितना दिया है क्वेश्चन में इनिशियल एंगुलर स्पीड कितनी है 600 हंड्रेड इसको मैंने रेडियन पर मिनट में कन्वर्ट करने के लिए टू पाई से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा ट्वेल्व हंड्रेड पाई रेडियन पर मिनट अब इसको हम सेकंड में भी कन्वर्ट कर लेते हैं तो मैंने सिक्सटी से डिवाइड कर दिया इसको तो ये कन्वर्ट हो गया सेकेंड में यानी रेडियन पर सेकेंड में तो ये हमारे पास आ जाती है एंगुलर स्पीड ट्वेंटी पाई रेडियन पर सेकेंड ठीक है इसके बाद हम लिखते हैं फर्स्ट काइनामेटिकल इक्वेशन रोटेशन वाली ओमेगा इक्वल टू मेगा नॉट प्लस अल्फा टी ये क्वेश्चन हम तभी लगा सकते हैं जब एंगुलर एक्सप्रेशन कॉन्स्टेंट हो या टर्क कॉन्स्टेंट हो तो इसमें क्वेश्चन में टॉर्क या एंगुलर एक्सप्रेशन को कॉन्स्टेंट लिया गया है तो फाइनल एंगुलर वालासिटी कितनी जीरो इनिशियल कितनी थी टू पाई थी अल्फ़ा को हमने नेगेटिव लिया है क्योंकि एंगुलर डिसलेशन है ये और कितने टाइम के बाद फाइनल एंगुलर वालासिटी ज़ीरो हुई है टेन सेकंड के बाद तो इसको हमने लिख दिया यहाँ टेन ठीक है और इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर दें तो सिंप्लीफाई करने पर अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो आ जाती है वन रिवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर और अगर रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर में देखना है तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है टू पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर ये अल्फ़ा कैलकुलेट हो गया अब हमको इसमें निकालना क्या है फाइंड द एंगुलर डिसलेशन एंड द एंगुलर वालासिटी तो एक पार्ट तो इसका आई गया आंसर आ गया हमारे पास अल्फा हमको कैलकुलेट करना था वो आ चुका है इसके बाद एंगुलर वालासिटी आफ्टर फाइव सेकेंड्स निकालनी है तो फिर हम इसमें रोटेशनल कैनोमेटिक्स की इक्वेशन लगा लेंगे और इक्वेशन लिखी हमने ओमेगा इक्वल टू टू पाई माइनस टू पाई इंटू फाइव ये कैसे लिखी इक्वेशन ये हमने लिखा है ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी से तो फाइनल एंगुलर वालासिटी ओमेगा इनिशियल एंगुलर वालासिटी कितनी है इसकी टू पाई थी ऑलरेडी हमने निकाला हुआ था इसको यहाँ तो ये सॉरी ट्वेंटी पाई थी ट्वेंटी पाई माइनस अल्फ़ा अल्फा की वैल्यू कितनी आई क्वेश्चन में टू पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर ध्यान रखना है ये जो इक्वेशन है इनमें अल्फा या ओमेगा की वैल्यू आपको रेडियन पर सेकंड में रखना है तो इसको रखा हमने टू पाई तो माइनस टू पाई और कितने सेकंड के बाद वेलासुटी निकालनी थी फाइव सेकंड के बाद तो हमने यहाँ रख दिया फ़ाइव इसको सिम्प्लीफाई कर देंगे तो इसको सिम्प्लीफाई करने से ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाती है ओमेगा आ जाता है टेन पाई रेडियन पर सेकेंड और अगर रिवोल्यूशन पर सेकेंड में लिखना हो तो उसको टू से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाता है फाइव रिवोल्यूशन पर सेकेंड तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था कायनमेटिक्स इसमें लगानी थी अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट को हम पढ़ लेते हैं फिर क्या सिचुएशन है इसमें ट्वेंटी एट ये कहता है ए व्हील ऑफ मास टेन के जी एंड रेडियस ट्वेंटी सेंटीमीटर तो इसमें एक व्हील है जिसका मास कितना गिवन है 10 के और रेडियस है 20 सेंटीमीटर इज रोटेटिंग एट एन एंगुलर स्पीड ऑफ 100 रिवोल्यूशन पर मिनट इसमें भी हमको एंगुलर स्पीड रिवोल्यूशन पर मिनट में दी है तो हम इसको रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वेन द मोटर इज टर्ंड ऑफ मोटर को बंद कर दिया नेग्लेक्टिंग द फ्रिक्शन एट द एक्सल कैलकुलेट द फोर्स दैट मस्ट बी अप्लाइड टेंजेंशली टू द व्हील टू ब्रिंग इट टू रेस्ट इन टेन रिवोल्यूशंस तो दस रिवोल्यूशन के बाद ये रेस्ट में आ जाए उसके लिए हमें टेंजेंशली कितना फोर्स लगाना पड़ेगा तो ज़रा मैं डायग्राम से समझा दूँ कि ये एक व्हील है ठीक है और ये एक व्हील ये व्हील रोटेट कर रहा है और इसकी कुछ इनिशियल एंगुलर वालासटी है वो लिख ली मैंने ओमेगा नॉट अगर इस व्हील के रोटेशन को हमें ख़त्म करना है रोकना है ओमेगा को ज़ीरो करना है तो इस पर एक फोर्स लगाना पड़ेगा जो कि ऐसा टॉर्क दे जो ओमेगा की अपोजिट डायरेक्शन में हो तो फोर्स कैसा लगाना चाहिए हमको फोर्स लगाना चाहिए इधर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना चाहिए जिससे कि हम सेंटर के अबाउट उसका टॉर्क निकालेंगे तो टॉर्क का सेंस ऑफ रोटेशन कैसा जाएगा एंटी क्लॉक और ओमेगा कैसा है क्लॉक ठीक है तो जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड हम लिख लेते हैं कितना एफ के बराबर है तो इस फोर्स का टॉर्क कितना होगा इस फोर्स का टॉर्क हो जाएगा एफ़ इंटू रेडियस आर के बराबर तो ये तो आ गया टॉर्क और इस टॉर्क से एंगुलर डेसेलरेशन मिलेगा कितना एंगुलर डेसेलरेशन मिलेगा तो नेट टॉर्क होता है अल्फा। तो मैंने इसको लिख लिया आई अल्फा। ठीक है अब अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई सॉल्व करने के बाद अल्फा जाएगा एफ इंटू आर अपॉन आई के बराबर और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी को हमने ओमेगा नॉट मान लिया है तो कितने रेवोल्यूशन के बाद इसको रुक जाना चाहिए टेन रिवोल्यूशन के बाद जो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है तो टेन रिवोल्यूशन टेन रिवोल्यूशन का मतलब है कितने एंगल से ये घूम जाएगा टेन इंटू टू पाई क्योंकि एक रोटेशन में किससे घूमते हैं पाई से तो टेन टू पाई से घूमते हैं तो टेन रेवोल्यूशन में टेन इंटू टू पाई यानी कि ये हो जाएगा ट्वेंटी पाई तो ये हुआ इसका टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्वेंटी पाई के बराबर तो अब हम अगर सेकंड काइनामेटिकल इक्वेशन लगाएं इसमें तो सेकंड काइनामेटिकल इक्वेशन होती है डेल्टा थीटा इक्वल्स टू अच्छा सेकंड नहीं टाइम की बात नहीं हो रही है तो थर्ड लगाते हैं तो थर्ड काइनामेटिकल इक्वेशन ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टू अल्फा डेल्टा थीटा तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी कर देनी है हमको ज़ीरो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी है ओमेगा नॉट है और इसको रुक जाना यानी कि अल्फा कैसा होना चाहिए इसमें एंगुलर डेसिलेशन तो नेगेटिव होगा तो माइनस टू अल्फा डेल्टा थीटा ठीक है अब इसमें हम अल्फा की वैल्यू भी सब्टिट्यूट कर देंगे तो टू अल्फा डेल्टा थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर तो टू इंटू अल्फा की वैल्यू जो मैंने यहाँ लिखी हुई थी इस अल्फा की वैल्यू को यहां से उठा के मैं रख देता हूँ और इस इक्वेशन में तो एफ इंटू आर अपॉन आई इन डेल्टा थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर तो इससे फोर्स की वैल्यू कितनी आती है सॉल्व करने पर फोर्स की वैल्यू आएगी ओमेगा नॉट स्क्वायर इन टू आई अपॉन टू आर डेल्टा थीटा अब ये सारी वैल्यूज हम इसमें रख देते हैं और देखते हैं क्या आंसर आएगा तो ओमेगा नॉट को कितना लिख सकते हैं ओमेगा नॉट आएगा इनिशियल एंगुलर वालासिटी थी हंड्रेड रिवोल्यूशन को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए टू पाई से मल्टीप्लाई किया पर मिनट में था तो मैंने सिक्सटी से डिवाइड कर दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो गई रेडियन पर सेकेंड में और इसमें जीरो से एक ज़ीरो उड़ा दिया टू से सिक्स को उड़ा देते हैं तो ये आएगा टेन तो 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 oh, पाई बाई थ्री तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है टेन पाई बाई थ्री तो टेन पाई बाई थ्री का स्क्वायर तो टेन का स्क्वायर यानी हंड्रेड ओमेगा नॉट का स्क्वायर यानी टेन का स्क्वायर पाई का स्क्वायर अपॉन नाइन अच्छा आई कितना होगा अब इसमें देखो ये व्हील को हम क्या मान के चलेंगे ये हमको नहीं क्यों मानना तो हम इसको मान के चलेंगे डिस्क है ये तो डिस्क का मोमेंट ऑफ नर्शिया होता है आई इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर तो हाफ एम आर स्क्वायर यानी आई की जो वैल्यू आएगी हाफ मास कितना था टेन था और रेडियस कितनी थी ट्वेंटी सेंटीमीटर तो ट्वेंटी बाई हंड्रेड ऐसा यूनिट में कन्वर्ट किया इसका स्क्वायर तो ये फाइनली कितना बन जाएगा सिंप्लीफाई uh, करने पर ये हो जाएगा फाइव इंटू वन बाई फाइव का स्क्वायर यानी कि फाइनली वन बाई फाइव आएगा ये तो मोमेंट ऑफ नर्शिया ऐसा यूनिट में अगर मैं लिखता हूँ तो कितना आ जाता है ये ये आ जाता है वन बाई फाइव के बराबर तो अब हम इसमें फिर वैल्यू सब्टीट्यूट करते हैं ओमेगा नॉट स्क्वायर की वैल्यू तो सब्टीट्यूट हो चुकी है अब हम लिखते हैं आई की वैल्यू तो आई की वैल्यू कितनी थी वन बाई फाइव और नीचे टू बचा हुआ था वो टू लिख लिया रेडियस कितनी थी इसकी ट्वेंटी सेंटीमीटर तो ट्वेंटी नीचे हंड्रेड ऊपर और डेल्टा थीटा कितना आया था डेल्टा थीटा आया था ट्वेंटी पाई के बराबर तो ये हुआ ट्वेंटी पाई तो एफ़ इक्वल्स टू अब ये सारी चीज़ें कैंसिल कर लेते हैं हम कहाँ पे क्या क्या है फाइव सिस हंड्रेड कोड़ा दिया तो ये हो जाएगा ट्वेंटी ट्वेंटी से ये ट्वेंटी कैंसिल हो गया फिर ये ट्वेंटी से फाइव और एक पाई उड़ जाएगा यहाँ से तो ऊपर तो बच रहा है फिलहाल फाइव पाई और नीचे क्या क्या बच रहा है नीचे बच रहा है एटीन फाइव पाई बाई एटीन ठीक है और भी तो कुछ नहीं छूटा हुआ है तो फाइव पाई बाई एटीन इसमें आता है अब इसका कैलकुलेशन करने के लिए भाई मुझे थोड़ा कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं फाइव पाई बाई एटीन कितना आता है इसको मैं चेक करता हूँ थ्री पॉइंट वन फोर इंटू फाइव डिवाइडेड बाई एटीन तो ये पॉइंट एट सेवन टू 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 आ जाएगा यह आएगा पॉइंट एट सेवन टू 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 समथिंग तो फाइनली इसका आंसर हम इतना ही लिख देंगे ज़ीरो पॉइंट एट सेवन न्यूटन के बराबर एंड दिस इज दी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ठीक है तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ तो क्वेश्चन कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं था इस लेवल पे जो क्वेश्चन हैं बहुत सिंपल है लेकिन ये सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं तो ये हमको करने जरूर है ठीक है छोड़ना नहीं है तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन पर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन की सिचुएशन को डिस्कस कर लेते हैं पहले ए सिलेंडर रोटेटिंग एट एन एंगुलर स्पीड ऑफ फिफ्टी रेवोल्यूशन पर सेकेंड तो उसकी इनिशियल एंगुलर वालासिटी दी है एक सिलेंडर की इज़ ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद एन आइडेंटिकल स्टेशनरी सिलेंडर तो एक सिलेंडर रोटेट कर रहा है और दूसरा सिलेंडर रेस्ट में है इन दोनों को आपस में कॉन्टैक्ट में लेके आए बिकॉज ऑफ द कार्टिक फ्रिक्शन टॉर्क एक्ट ऑन टू सिलेंडर्स तो दोनों सिलेंडर के जो सर्फेस जब कॉन्टैक्ट में आएंगे तो एक दूसरे पर फ्रिक्शन लगेगा और उस फ्रिक्शन की वजह से उन दोनों सिलेंडर पर टॉर्क एक्ट करना शुरू करेगा एक्सिलरेटिंग द स्टेशनरी वन एंड डिसलेटिंग द मूविंग वन तो जब दोनों कॉन्टैक्ट में आएंगे तो उन फ्रिक्शन की वजह से जो टॉर्क लगेगा वो टॉर्क जो मूव करने वाला है उसकी एंगुलर वालासिटी को डिक्रीज करेगा और जो इनिशियली रेस्ट में था उसकी एंगुलर वालासिटी को ये इंक्रीज करेगा ठीक है इफ़ द कॉमन मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सोलेशन एंड डेसलरेशन बी वन रेवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर दोनों के जो एंगुलर एक्सोलेशन है उनका मैग्नीट्यूड हमको कैसा लेके चलना है सेम लेके चलना है और वैल्यू क्या है उसकी वन रेवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर ये सारे रेवोल्यूशन पर सेकेंड में दिए हुए हैं यानी हमको रेडियन पर सेकेंड में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए अब पूछा है उसमें उसमें हाउ लॉन्ग विल इट टेक बिफोर द टू सिलेंडर्स हैव इक्वल एंगुलर स्पीड तो दोनों की एंगुलर स्पीड इक्वल हो जाए उसमें कितना टाइम लगेगा तो इस सिचुएशन को एक डायग्राम से भी हम समझ लेते हैं कि इसमें क्या हो रहा है तो ये हमने बनाए दो सिलेंडर ठीक है टॉप व्यू दिख रहा है आपको सिलेंडर का इसमें जो एक सिलेंडर है ये वाला और ये दूसरा सिलेंडर है हम मान लेते हैं कि ये वाला सिलेंडर ऑलरेडी किसी एंगुलर आ, स्पीड ओमेगा ओमेगाट से रोटेट कर रहा है जो कि यहाँ पर 50 रेवोल्यूशन पर सेकंड लेना है हमको और जो सिलेंडर नंबर टू है ये कैसा है रेस्ट में है जब दोनों कांटेक्ट में आएंगे तो एक दूसरे के सरफेस जब कॉन्टैक्ट में आते हैं तो उस पर क्या होगा ये टॉर्क लगाएंगे तो ज़रा मैं थोड़ी सिचुएशन को यहाँ पर समझा देता हूँ कि क्या होगा दोनों का जो सरफेस कांटेक्ट में ये वाली जो लाइन मैंने बनाई यहां पर यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा अब दोनों स्लिप कर रहे होंगे तो ये फ्रिक्शन फोर्स कौन सा होगा ये काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा इन पर काइनेटिक फ्रिक्शन ठीक है और इसमें से एक सिलेंडर को हमने क्या माना है कि वो ऑलरेडी रोटेट कर रहा था यानी कि इसके पास एंगुलर वेलोसिटी ऑलरेडी थी ओमेगा नॉट इस वाले के पास और ये कैसा था रेस्ट में था तो इस वाले सिलेंडर की वजह से इसकी वजह से इस पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उस फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड इसको मैं लिख लेता हूं F2 हालांकि फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम लेना है लेकिन ये किस पर लग रहा है इस वाले सिलेंडर पर ये फ्रिक्शन लग रहा है इसकी वजह से और टू की वजह से वन पर जो रिएक्शन फोर्स लगेगा आप रिएक्शन एक्शन रिएक्शन पेयर कह सकते हो उनको जो रिएक्शन फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में होगा ये मैंने बना दिया F1। अब जो F1 का टॉर्क है F1 के टॉर्क का सेंस ऑफ रोटेशन है एंटी क्लॉक वाइज तो इसका अल्फ़ा भी कैसा होगा एंटी क्लॉक वाइज होगा और एंगुलर वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो ये स्लो होना शुरू हो जाएगा F2 का जो टॉर्क है F2 का टॉर्क है वो कैसा है वो भी एंटी क्लॉक वाइज सेंस में ही है ठीक है इसका भी जो टॉर्क है एंटी क्लॉक सेंस में है अल्फा इसका कैसा आएगा एंटी क्लॉक आएगा लेकिन इसकी इनिशियल एंगुलर वालासटी कितनी थी जीरो थी तो अब एंगुलर एक्सोलेशन अल्फा की वजह से ये एंटी क्लॉक डायरेक्शन में ही घूमना शुरू कर देगा रोटेट करना शुरू कर देगा तो इसकी एंगुलर वालासटी बढ़ती जाएगी और जो ओमेगा नॉट है वो क्लॉक सेंस में था और अल्फ़ा एंटी क्लॉक सेंस में इसका ये क्लॉक है ये एंटी क्लॉक है तो ये धीरे धीरे स्लो होने लगेगा और इसकी एंगुलर स्पीड बढ़ती जाएगी दोनों टॉर्क अगर हम देखें अगर मैं इसके अबाउट देखूं इसके सेंटर के अबाउट F2 का टॉर्क तो फ्रिक्शन का टॉर्क कैसा आएगा एंटी क्लॉक वाइज सेंस में आएगा इसलिए इसकी एंगुलर वालासिटी बढ़ेगी इसके सेंटर के अबाउट एफ का टॉर्क निकालू अगर मैं तो वो भी एंटी क्लॉक वाइज सेंस में आता है तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी कम होने लगेगी क्योंकि अल्फा तो एंटी क्लॉक वाइज है लेकिन ओमेगा क्लॉक वाइज है ठीक है अब हमको निकालना ये है कि कितने टाइम के बाद दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम हो जाएगी यानी कि एक की कम होते होते ओमेगा हो जाएगी एक की इंक्रीज ज़ीरो से इंक्रीज होते होते ओमेगा हो जाएगी तब जो इंफॉर्मेशन हमको दी हुई है उसका हम इस्तेमाल करते हैं अभी तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी दी थी फिफ्टी रेवोल्यूशन पर सेकेंड हमको इसमें तो ये फिफ्टी रेवोल्यूशन पर सेकेंड को हमने रेडियन पर सेकेंड में चेंज किया और टू पाई से मल्टीप्लाई कर दिया तो टू पाई से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा हंड्रेड रेडियन पर सेकेंड ठीक है अच्छा अब टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा एफ के इंटू आर जिसमें एफ के क्या लिखा है मैंने एफ के है कायनेटिक uh, फ्रिक्शन और आर है इसकी रेडियस तो एफ के इंटू आर टॉर्क होगा तो अल्फा कितना हो जाएगा अल्फा क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी अल्फा गिवन है वन रिवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर में उसको चेंज कर देते हैं तो टू पाई से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा वन इंटू टू पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर यानी सिंपली टू पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर अब हमने ये मान लिया कि दोनों की जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है जो कि कॉमन एंगुलर वेलोसिटी है वो कितनी है ओमेगा के बराबर है और वो कितने टाइम पर होती है एट टाइम टी पर तो टाइम टी पर वो अटेन करता है यानी कि दोनों की एंगुलर वेलोसिटी कांटेक्ट में लाने के टाइम टी के बाद एंगुलर स्पीड सेम हो जाती है एंगुलर वालासिटी तो डिफरेंट ही रहेगी क्योंकि उसकी डायरेक्शन अलग होगी ठीक है तो अब हमें इस पर इक्वेशन लिखना है कानामेटिकल इक्वेशन तो इक्वेशन में लिखता हूँ किसके लिए पहले सिलेंडर नंबर वन के लिए तो जो सिलेंडर नंबर वन है यहाँ देखो जैसे ये सिलेंडर नंबर वन है इसकी एंगुलर वालासिटी किधर है ये है ओमेगा नॉट क्लॉकवाइज सेंस में अल्फा कैसा था एंटी क्लॉकवाइज सेंस में तो इसकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी मैंने लिखी ओमेगा ठीक है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 100 पाई ये 100 पाई कैसे क्योंकि इसमें हमने यहां पर कैलकुलेट करके रखा हुआ है भाई क्वेश्चन में गिवन था ना हंड्रेड पाई 50 गिवन था पाई से मल्टीप्लाई कर ली टू पाई से मल्टीप्लाई कर लिया था तो 100 पाई रिवोल्यूशन पर सेकंड माइनस अल्फा अल्फाटी ये इक्वेशन किसके लिए लिखी है हमने पहले वाले सिलेंडर के लिए माइनस क्यों है इसमें क्योंकि एंगुलर एक्सोलेशन या एंगुलर एक्सोलेशन ओमेगा की अपोजिट डायरेक्शन में दूसरे वाले के लिए अल्फा पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो उसके लिए हम इक्वेशन लिखते हैं फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट कितना इसका जीरो है तो उसको हमने लिखा जीरो प्लस अल्फा टी के बराबर ओमेगा इक्वल टू जीरो प्लस अल्फा टी लिखेंगे या सिंपली अल्फा टी लिख देते हैं अब ये दोनों एंगुलर वेलोसिटी कैसी है दोनों की जो एंगुलर वेलोसिटी है इनको इक्वल कर देंगे हम ठीक है इसकी इनिशियल एंगुलर वाला अच्छा इनकी एंगुलर वेलोसिटी शायद मैंने ये बोल दिया कि अपोजिट डायरेक्शन में होंगी ये क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहा था तो क्लॉकवाइज सेंस में घूमते 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 इसकी एंगुलर वेलोसिटी कम होते होते क्लॉकवाइज में ही घूमते घूमते ओमेगा हुई है और इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है ये कैसी है ये इसको अल्फा कैसा मिला था एंटीक्लॉक वाइज सेंस में मिला था तो इसके पास जो एंगुलर वालासुटी होगी वो एंटीक्लॉक वाइज सेंस में होगी है ना अब ये दोनों एंगुलर वालासुटी का जो मैग्नीट्यूड है एंगुलर स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है वो तो कैसा है सेम है तो इक्वेशन नंबर वन और टू से हम लिख सकते हैं अल्फा टी इक्वल टू हंड्रेड पाई माइनस अल्फा टी दोनों को इक्वेट कर दिया तो दोनों को इक्वेट करने के बाद हमको क्या मिलेगा दोनों को इक्वेट करने के बाद आता है अल्फा टी इक्वल टू हंड्रेड पाई माइनस अल्फ़ा टी यानी कि ये जो ओमेगा इक्वल टू अल्फ़ा टी है इसकी वैल्यू हमने यहाँ रख दी उठा के सिम्प्लीफाई कर दें इसको तो टी इक्वल टू आ जाएगा हंड्रेड पाई अपॉन टू अल्फ़ा और अल्फा की जो वैल्यू है वो कितनी है टू पाई है तो अल्फ़ा की वैल्यू भी सब्टिट्यूट कर दी इसको सिंप्लीफाई करने से टी की वैल्यू आ जाती है टी की वैल्यू आ जाती है यहाँ पर ट्वेंटी फाइव सेकेंड के बराबर तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर ठीक है अब हम बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर थर्टी की तरफ क्वेश्चन नंबर थर्टी में क्या सिचुएशन है ये समझते हैं अब हम ए बॉडी रोटेटिंग एट ट्वेंटी रेडियन पर सेकेंड इज एक्टेड अपॉन बाय ए कांस्टेंट टॉर्क प्रोवाइडिंग इट ए डेसिलेशन ऑफ टू रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर ठीक है भाई एक बॉडी है रोटेट कर रही है ट्वेंटी रेडियन पर सेकेंड इसकी इनिशियल एंगुलर वालासी है इस पर कॉन्स्टेंट टॉर्क लगाया और उसने इसको डिसलेशन या अल्फा कितना दे दिया है टू रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर डिसलेशन दिया यानी कि एंगुलर वालासिटी कम होती जाएगी अब पूछा ये एट व्हाट टाइम विल द बॉडी हैव कानेटिक एनर्जी सेम एज द इनिशियल वैल्यू इफ द टॉर्क कंटिन्यूज टू एक्ट तो अगर ये टॉर्क कंटिन्यू कंटिन्यूसली लगा रहता है तो कितने टाइम के बाद इसकी कैरेंटिक एनर्जी अपनी इनिशियल कैरेंटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगी तो कई स्टूडेंट्स को जो इलेवंथ क्लास में होते हैं ना उनको इसका मतलब समझ में नहीं आता है क्वेश्चन का तो इसका मीनिंग समझने के लिए मैं एक डायग्राम बना से एक्सप्लेन करता हूँ इसको पहले यहाँ पर कि यहाँ क्या हो रहा है ठीक है तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक इस तरह की एक शाफ्ट है जो कि रोटेट हो रही है ये डायग्राम है ठीक है ये रोटेट हो रही है और ये किस डायरेक्शन में रोटेट हो रही है तो ओमेगा बना देते हैं उस पर ये है तो इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है ये इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है ये किस सेंस में है ऐसे है अगर मैं देखूं तो मुझे ये दिख रही है सपोज क्लॉकवाइज वाइज और जो फ्रिक्शन है इस फ्रिक्शन का टॉर्क अगर हम इसकी एक्सिस के अबाउट निकालें तो इसका फ्रिक्शन सॉरी फ्रिक्शन कह रहा हूँ इस पर जो फोर्स लगाया है हमने बाहर से एफ इस फोर्स का अगर टॉर्क निकाले तो वो कैसा है एंटी क्लॉक वाइज है तो एक कॉन्स्टेंट फोर्स लगाया जो कॉन्स्टेंट टॉर्क देगा जिससे कि एंगुलर वेलोसिटी इसकी डिक्रीज़ होती जाएगी अगर ये कॉन्टिन्यूसली टॉर्क लगा रहा तो एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी डिक्रीज होती जाएगी और डिक्रीज़ होते होते ज़ीरो होगी लेकिन तब भी टॉर्क लगा हुआ है तो एंगुलर वेलोसिटी ज़ीरो होने के बाद उसकी डायरेक्शन फिर चेंज हो जाएगी और फिर वो अपोजिट डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी उसकी इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी यानी कि ओमेगा ज़ीरो होने के बाद अब जो अल्फ़ा होगा बेसिकली वो एंगुलर एक्सेलरेशन बन गया इसके लिए इनिशियली तो वो एंगुलर डेसिलरेशन है क्योंकि ओमेगा कम कर रहा है इसके बाद फिर ओमेगा ज़ीरो हो गया जीरो होने के बाद भी अगर ये फोर्स लगा रहा तो फिर ये अपोजिट डायरेक्शन में घूमना शुरू कर देगा और अपोजिट डायरेक्शन में घूमना शुरू करेगा एंगुलर वेलोसिटी बढ़ते जाएगी बढ़ते बढ़ते वो फिर ओमेगा नॉट के बराबर हो जाएगी तब उसकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगी ठीक है तो हमको इस क्वेश्चन में बेसिकली ये निकालना है कि कितने टाइम के बाद इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से बदल के माइनस ओमेगा नॉट हो जाएगी यानी कि केवल डायरेक्शन चेंज हो जाएगी मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं होना है ठीक है तो हम लिख लेते हैं कि सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ टॉर्क एंड इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी आर इन अपोजिट डायरेक्शन तो इनिशियली दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ठीक है और हमको करना क्या है हमको इस क्वेश्चन में करना ये है कि जो फर्स्ट काइनामेटिकल इक्वेशन होती है ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी में हमको टाइम की वो वैल्यू चाहिए जितने टाइम के बाद एंगुलर वालासिटी सेम मैग्नीट्यूड में लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी यानी कि फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कैसी हो जाए माइनस ओमेगा और इनिशियल कैसी है ओमेगा के बराबर और अल्फा कैसा है नेगेटिव है ठीक है तो इतना सा काम करना है हमको ये निकालना है कितने टाइम के बाद फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर और डायरेक्शन में अपोजिट हो जाएगी ऐसा कब होगा जब ये व्हील घूमते 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 रुक जाए फिर अपोजिट डायरेक्शन में घूमना शुरू कर दे अपोजि डायरेक्शन में घूमते घूमते फिर उसकी वैल्यू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी के बराबर हो जाए कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं है क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ तो हम वैल्यू सब्टीट्यूट कर देते हैं इसमें इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी थी ट्वेंटी और हमको ये निकालना है कि कितने टाइम के बाद फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इतनी ही रहे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए तो उसको हमने माइनस ट्वेंटी लिख दिया ठीक है इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो कैलकुलेट करने के बाद टाइम की जो वैल्यू आती है ट्वेंटी सेकेंड आती है और ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ठीक है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है एक लेकिन बस क्लिक करना चाहिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स को यही समझ में नहीं आता है कि इसका मतलब क्या हुआ कि फाइनल कैरेंटिक एनर्जी इनिशियल कैरेंटिक एनर्जी के बराबर है क्योंकि ब्रेन हमारा इस तरह से काम करता है कि जब टॉर्क लगना शुरू होगा तो फाइनली ये बॉडी रुक जाएगी लेकिन इसमें यह कह रहे हैं कि ये टॉर्क उसके बाद भी लगा रहेगा एंगुलर वालासिटी जीरो होने के बाद भी ये टॉर्क लगा रहेगा तो उससे क्या होगा ओमेगा जीरो होगा फिर ओमेगा अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा फिर ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम हो गया डायरेक्शन अपोजिट हो गई उस समय दोनों की कारंटिक एनर्जी कैसी होगी सेम होगी ठीक है तो काफ़ी डिस्कशन हो गया इस पर अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और टी इक्वल टू ट्वेंटी सेकेंड इस क्वेश्चन का है आंसर